स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिकरण में संघर्ष और शांति के लिए किए गए प्रयास, जो आपके सिलेबस में इस बार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है और इस बार इसे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड जो है वो हमारा दक्षिण एशिया का है। ये जो आप न्यू पूरा मैप देख रहे हैं, इस पूरे विश्व के पटल पे ये जो आपको ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये हमारा दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया के ये वो भाग हैं जिसके अंदर वो 9 देश आते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गौर से देख लीजिए, यही वो है मैप के ऊपर दक्षिण एशिया का भाग। तो आइए सबसे पहले दक्षिण एशिया के बारे में जानते हैं। अगला स्लाइड हमारा है दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा कि दक्षिण एशिया कोई इजी बुझी चीज नहीं है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। इसमें शामिल जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत इसमें शामिल है किसमें? दक्षिण एशिया में। पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव जो इस मालदीव को भी इसमें जोड़ा गया था। और देखिए इन सभी देशों के लिए, ये जो सभी देश हैं इसमें आपको दक्षिण एशिया का भरपूर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इन सभी देशों को बाद में अफगानिस्तान और म्यांमार को जोड़ा गया है। तो ये 7 और 2 मिलके कितने हो जाते हैं? 9 देश हो जाते हैं। ये 9 देश को क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन सभी 9 देशों को दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम बताना चाहेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। ये जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बाद में इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को जोड़ा गया है, इनके आपस में संघर्ष चलता रहता है, ढोल बजते रहते हैं। अब ढोल बजने का कहने का तात्पर्य यह है कि आपस में छोटी मोटी कहा सुनी लड़ाई झगड़े बात विवाद होती रहती है, संघर्ष का क्षेत्र बना रहता है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है कि चीन को दक्षिण एशिया के देश में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो ड्रैगन है, ये जो चाइना है, ये जो चीन है, इसे दक्षिण एशिया के देशों में शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये 9 देश ही हैं जो दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। वो 9 देश को फिर से एक बार रिपीट कीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बाद में इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को जोड़ा गया है। ये 9 देश हैं जो दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। आगे की स्लाइड में आपको बताना चाहेंगे, आगे का स्लाइड हमारा है दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या। ये जितने भी 9 देश हैं, जितने भी देशों का मैंने नाम आपको बताया है दक्षिण एशिया के अंदर, इनके अंदर समस्याएं क्या है, क्या क्या तकलीफ है, किन बातों पर ये विवाद करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं? तो ये समस्याएं, ये 9 समस्याएं हैं, संघर्षों वाला क्षेत्र है। ये जितने भी देश हैं ना आपस में, इनका संघर्षों वाला क्षेत्र है, बात विवाद लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, सीमा विवाद होता है। ये सभी देश एक दूसरे देश के सीमा बॉर्डर से जुड़ते हैं, बॉर्डर लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी जमीन को लेकर भी, ये बॉर्डर के जमीन को लेकर भी लड़ते रहते हैं। नदी जल विवाद, एक देश का जो नदी का पानी है वो दूसरे देश में जा रहा है तो पानी के लिए भी लड़ते रहते हैं, जैसे हमारे और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी को लेकर चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी देश हैं जिनके अंदर नदियों के पानी को लेकर विवाद हो रहा है। विद्रोह संघर्ष, विद्रोह कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि देश के अंदर और बाहर अपने देश से दूसरे देश के व्यक्ति जो लड़ाई का दिमाग होता है या फिर कहिए ऐसी सोच जो एक दूसरे, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए ना, वहां के आतंकवादी हमारे भारत पे आग गड़ाए रहते हैं। तो ऐसे में एक देश से दूसरे देश में विवाद बढ़ता है और हमारे और पाकिस्तान की तो आपको पता ही है ऐसे चलती है, बनती है नहीं। जातीय संघर्ष भी है, जाति को लेके भी संघर्ष है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी जातीय संघर्ष है, लोग अपने धर्म और जाति को लेके भी संघर्ष करते हैं। संवेदनशील इलाका, कुछ ऐसे इलाका जहां पे
कई है ये ऐसे तत्व या फिर ऐसे लोग जिनका कब्जा है और उसे वो कब्जा करने के चक्कर में, जैसे कश्मीर ही ले लीजिए, संवेदनशील इलाका ही है कुछ कश्मीर का टुकड़ा, जहां पे अक्सर आतंकवादियों द्वारा मुठभेड़ किया जाता है। तो ये वो सब पॉइंटे हैं जिनके कारण दक्षिण एशिया के जो 9 देश है ना वो आपस में संघर्ष करते रहते हैं। तो आइए हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कुत्ते की शक्ल वाले मैप को देख लीजिए, ये जो आपको कुत्ते की शक्ल का दिख रहा है ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये पाकिस्तान है। हाँ ये वही सही समझा आपने, ये पूंछ है, ये मुंह है, ये जीभ लटका रखा है, ये पैर है। तो ये कुत्ते की शक्ल वाला जो मैप है ये पाकिस्तान का है। तो आइए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बारे में जानना आपको जरूरी है। पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। सेना कहने का मतलब है जो वहां की मिलिट्री फोर्स है ना, मिलिट्री है ना, वो वहां के सत्ता में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सबसे पहले पाकिस्तान के जो सेना की अगर बात कर ली जाए तो बागडोर जो है, कमान जो है वो जनरल अयूब खान ने लिया। किसने लिया? जनरल अयूब खान ने, याद रखिएगा, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जनरल यहिया खान ने लिया, उसके बाद जनरल जिया उल हक ने लिया, और भी बहुत सारे सेना के कमांडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के शासन प्रशासन को अपने हाथ में लिया। कुछ समय के लिए पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम सुना होगा, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ भी सत्ता में रहे। कुछ समय ऐसा भी हुआ कि ये जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी वहां के प्रशासन में अपना दबदबा बना रखा था। जून 2013 की बात है, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार की स्थापना हुई। कब? 2013 में। किसके द्वारा? नवाज शरीफ के द्वारा। कहां? पाकिस्तान में। किस चीज की स्थापना हुई? तो वो स्थापना थी लोकतांत्रिक सरकार की। सरकार की स्थापना तो हुई कब? 2013 में। लेकिन 4 साल में ही क्या हुआ, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्चतम न्यायालय मतलब कोर्ट ने दोषी ठहराया और पद से हटाते हुए 10 साल की सजा दे दी। किसे? नवाज शरीफ को। कब चुनाव लड़ा था? 2013 में। वहां पे लोकतंत्र की पार्टी की स्थापना की। 2017 में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 10 साल की सजा दे दी और उसको पद से भी हटा दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण अस्थायी न रहने के कारण, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र नहीं रह पाता है, कंटिन्यू लोकतंत्र का काबिज नहीं रह पाते हैं, कंटिन्यू वहां पे लोकतंत्र व्यवस्था नहीं रह पाता है, इसके कारण क्या है? कौन कौन से कारण है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाती है? देखिए, पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ है। सैनिक शासकों मतलब कि मिलिट्री द्वारा वहां के लोकतांत्रिक सरकार को ध्वस्त किया गया है, कुचला गया है, बर्बाद किया गया है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाया। एक ऐसा देश जिसमें अक्सर तख्ता पलट उलट चलता रहता है। अभी आपको पता है कि इमरान खान का सरकार पलट दिया गया, तो ये लोकतंत्र सही तरीके से 5 साल तक वहां चलता ही नहीं है, अक्सर वहां पे सरकारें बदल जाती है। अब इसका क्या कारण है? तो देखिए, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी का सामाजिक दबदबा है। वहां के समाज में किसका दबदबा है? तो मौलवियों का दबदबा है। धर्मगुरु मौलवी कोई कहते हैं, और सेना का दबदबा है मिलिट्री का, और भूस्वामी जो जमींदार है ना, जो पैसे वाले हैं ना, जो पूंजीपति लोग हैं ना, उनका दबदबा है पाकिस्तान के ऊपर। इसके कारण कई बार क्या होता है, निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम कर दिया जाता है। जो लोकतंत्र के सरकार जनता के द्वारा चुने जाते हैं उसे हटाकर वहां पे सेना की शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, सेना के शासन को चालू कर दिया जाता है। अमेरिका तथा चीन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, अमेरिका तथा चीन ने अपने अपने स्वार्थों से पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। अमेरिका और चीन अपने स्वार्थ के कारण, अपने फायदे के कारण पाकिस्तान की जमीन का हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। इस कारण से आप कह सकते हैं जब जब अमेरिका और चीन को लगा है कि हमें यहां से फायदा उठाना चाहिए, तो उन्होंने लोकतंत्र की सरकार को पलट के सैन्य शासन को स्थापित कर दिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको नेपाल के मैप को देखना जरूरी है। ये हमारे नेपाल का मैप है, तब हम जाके इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो ये नेपाल का मैप है, नेपाल की राजधानी काठमांडू आपको पता है। अब आइए हम नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है नेपाल में लोकतंत्र,
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में लोकतंत्र, शुरुआत से नेपाल में लोकतंत्र नहीं था, बहुत देर से यहाँ पे लोकतंत्र आया है, तो इसके बारे में आपको जानना भी बहुत जरूरी है। नेपाल में लंबे समय राजा और लोकतंत्र समर्थकों के जद्दोजहद चलती रही। देखिए यहाँ पे वर्ड्स है जद्दोजहद। सबसे पहले मैं बता दूं कि नेपाल में बहुत लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र, मतलब जो लोकतंत्र लाना चाहते थे और वहां के राजा के बीच में जद्दोजहद चलते का मतलब है कि संघर्ष चलता रहा, वाद विवाद चलता रहा, लड़ाइयां चलती रही। अब यहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। देखिए माओवादी एक आतंकवादी संगठन है, ये लोग बहुत ही ज्यादा उग्र हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं, तुरंत मारपीट, बम बोली, बंदूक करना शुरू कर देते हैं। अगर माओवादी के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे इस वीडियो के बाद जो चैप्टर के वीडियो बने हुए हैं उन्हें जरूर पढ़े, क्योंकि ये तो पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस के लिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए। लेकिन अगर डिटेलिंग चाहिए, डिटेल्स में जानकारी चाहिए नेपाल के बारे में या फिर वहाँ के माओवादी के बारे में या फिर वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, कैसे बना, कब बना, कहाँ बना, तो आप चैप्टर के वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में बना रखा है। तो देखिए नेपाल में जो राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अब यहाँ पे समझिए, एक तरफ राजा का सैनिक, जो राजा थे वहां पे उनका सैनिक, दूसरी तरफ माओवादी और तीसरी तरफ जो लोकतंत्र चाहते थे, ये त्रिकोणमिति था बना हुआ। त्रिकोणमिति कहने का मतलब है तीन एंगल से यहाँ पे लड़ाइयां चल रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, ये पूरे परिणाम में यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए वो खड्ग प्रसाद शर्मा ओली 2015 में बनाए गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इनका भी ट्रांसफर हो गया है, ये भी हट गए हैं। अभी जो वहां के नए प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउआ हैं। कौन है? शेर बहादुर देउआ। मैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो आप बताएंगे शेर बहादुर देउआ अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से नेपाल में लोकतंत्र के बारे में आपने जाना। अब हम थोड़ा आपको आगे लेके चलते हैं, आगे के स्लाइड में भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। देखिए हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो ऐसे में उससे हमारे कैसे संबंध हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, मीठे संबंध है, और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है। दोनों देशों ने आपस में एक संधि किया है, अब उस संधि के बारे में जान लेते हैं। दोनों देशों ने ऐसा संधि किया है कि हम दोनों देश के लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने में किसी भी प्रकार के पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ भारत या नेपाल के व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में खुले रूप से व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और अब देखिए अभी कुछ दिनों से क्या है कि हमारे और नेपाल के बीच में मनमुटाव चल रहा है, थोड़ी सी अनबन हो गई है। उसका कारण है कि खास संबंध के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हो गया, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। वो क्यों हो गया है? नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। जो नेपाल की दोस्ती है चाइना के साथ, इसके लिए भारत का अप्रसन्नता रहता है, नाखुश रहता है भारत कि नहीं, इसका दोस्ती चाइना के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है चाइना हमारे भारत के लिए कितना खतरनाक है, हमेशा वो हमारा बुरा ही सोचता है। ऐसे में अगर नेपाल की दोस्ती उसके साथ होती है तो कहीं ना कहीं नेपाल भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तथ्यों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, इससे भी भारत नाखुश है। नेपाल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन पल रहे हैं जिसके खिलाफ नेपाल सरकार आवाज नहीं उठाती है, जिससे भी भारत नाखुश होता है, क्योंकि ये जो आतंकवादी संगठन है ये केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक सरदर्दी बना हुआ है। लेकिन नेपाल के अंदर अगर इन सारे लोगों को अगर पनाह दिया जाता है तो कहीं ना कहीं भारत इससे अप्रसन्न रहता है, खुश नहीं रहता है। अभी भारत नेपाल के संबंध की अगर बात की जाए वर्तमान में तो एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। इतने होने के बाद भी हम लोग जो हैं नेपाल के साथ सारे बिजनेस व्यापार सही तरीके से कर रहे हैं,
और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी भारत और नेपाल एक साथ काम कर रहा है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। जब से नेपाल में लोकतंत्र आया है इससे अब ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत और नेपाल के संबंध जो हैं, जो रिलेशन है हमारे दोनों देशों के बीच, वो और ज्यादा मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। आगे की स्लाइड में पढ़ना चाहेंगे, आगे का स्लाइड हमारा है बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश भी आपके टॉपिक में है तो बांग्लादेश के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। आइए अब हम बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश पाक का अंग था। पाक कहने का मतलब है पाकिस्तान का अंग था। जी हाँ, बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का अंग था। इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे, पूर्व की ओर था इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काट कर बनाया गया था। बंगाल और असम के हिस्से को काटकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के भी नाम से जानते हैं। पाकिस्तान यहां पर दबदबा बना रहा था, पाकिस्तान ना अपना दबदबा बना रहा था और जबरन उन लोगों पे उर्दू भाषा थोप रहा था कि आप लोगों को उर्दू भाषा ही बोलना है। संस्कृति को नष्ट कर रहा था। जो बांग्लादेश के लोग थे, जो उनकी संस्कृति थी, जो उनका रहन सहन था, जो उनकी बोल चाल थी, जो भाषा थी, उसको पाकिस्तान आर्मी के द्वारा दबदबे से, मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुली नष्ट किया जा रहा था। इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया, वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ना भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप जबरदस्ती हम पर उर्दू भाषा मत ठोको, जबरदस्ती हमारी संस्कृति को मत खत्म करो, जबरदस्ती हम पे अत्याचार मत करो। पश्चिमी पाक के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व में संघर्ष छेड़ गया। देखिए यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के नेता थे, उनके साथ वहां के लोगों ने जन आंदोलन छेड़ दिया पाकिस्तान के खिलाफ, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो उनके ऊपर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहे थे, जो जबरदस्ती उनकी संस्कृति को खत्म कर रहे थे। शेख मुजीब की पार्टी का नाम था अवामी लीग, जो 1970 में सभी सीटों पर विजय हो गया। जब वहां पे चुनाव हुआ 1970 में, तो उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, वो वहां पे सभी सीटें जीत लिए। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुजीब ने सारे पार्टी के सीटों को जीत लिया, तो पाकिस्तान के आर्मी, जो उस समय यहिया खान था, वही उस समय लीड कर रहा था पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा। ये आर्मी का प्रशासन था, याद रखिएगा, यहिया खान जो था वो आर्मी के द्वारा प्रशासन चला रहा था। उसने मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और बंगाली जनता को, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, और वहां के जो जन आंदोलन था उसे जबरदस्ती कुचलने का कोशिश किया। हजारों हजार लोग मारे गए पाकिस्तान आर्मी द्वारा, हजारों हजार लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। यही वो दौर था जिस समय भारत में बहुत सारे लोग आ गए थे। इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाक को समर्थन किया, मतलब बांग्लादेश को समर्थन दे दिया। किसने? भारत ने। और भारत ने पाकिस्तान के 1971 वाला युद्ध किया और पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र रूप से एक देश घोषित करवाया। ध्यान से समझिएगा, 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए हुआ था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के यहिया खान की आर्मी बंगाली लोगों पर, बंगाली कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, लाखों लाख लोगों को मार दिया, बहुत सारे लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर भारत में शरणार्थी बनना पड़ा। इसके खिलाफ भारत ने आवाज उठाया और बांग्लादेश का सपोर्ट किया, अपनी आर्मी दिया और पाकिस्तानी को मार भगाया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में आजाद करवाया। आगे की स्लाइड में हम पढ़ना चाहेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच भी संबंध देखना जरूरी है कि अगर हमने भारत जो है और बांग्लादेश को, वो भी हमारा पड़ोसी देश और हमने उसे आजाद भी करवाया, उसके लिए युद्ध भी लड़ा 1971 में, पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी बना लिया, तो अभी हमारे बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, इन्हें जानना जरूरी है। तो पहले सकारात्मक सहमति देखते हैं, मतलब पॉजिटिव में, मतलब अच्छे रिश्ते कैसे हैं। तो पिछले 10 वर्षों में संबंध जो है वो और मजबूत हुआ है, खासकर जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दौर आया हमारे भारत देश में, तब से बांग्लादेश का रिलेशन भारत के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया है। बांग्लादेश भारत की पूर्व की चलो ओर की नीति का हिस्सा है। पूर्व की ओर चलो की नीति के मेरे बारे में बहुत डिटेल्स में बताया आपको, तो इसका हिस्सा भी है बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, बांग्लादेश और भारत मिलकर काम कर रहे हैं पर्यावरण के मामलों पे, आपदा प्रबंधन के मामलों पे, और साथ ही साथ दोनों देशों का जो है वो व्यापार, बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। बहुत अच्छे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें थी। अब निगेटिव बातों को भी देख लेते हैं, नकारात्मक पहलू पर भी ध्यान देना है कि किन किन चीजों को लेकर हमारा और बांग्लादेश के साथ विवाद है, लड़ाइयां है, झगड़ा है। तो बेटे शुरुआत में याद है आपको बताया था कि गंगा नदी के पानी को लेकर हम आपस में लड़ रहे हैं।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर हमारे बीच में मतभेद है। गंगा नदी वहां भी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी वहां भी जाती है, दोनों देश का वो बीच में बहने वाली नदी है। तो ऐसे में हम दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं कि भाई पानी इतना हमको चाहिए, तो वो कहता नहीं पानी इतना हमको चाहिए। भारत में अवैध अप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। देखिए भारत में बांग्लादेशी लोग ना अवैध तरीके से घुस जाते हैं, बार बार भारत इसका विरोध करता है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के जो लोग हैं इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेशी की जमीन पे फैलना, भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी संगठन है वो बांग्लादेश पे फल फूल रहे हैं, जिसका बांग्लादेश जो है वो खंडन नहीं करता है। इस कारण से भी हमारे और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा मतभेद बढ़ता जा रहा है। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना, पूर्वोत्तर की तरफ सेना को जाने के लिए ये रास्ता नहीं देना है जो इनके देश से होकर गुजरता है। इस कारण से भी हमारे और उसके बीच में मतभेद है। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना, अपने देश से जाके पाइपलाइन नहीं बिछाने दे रहा है जिससे हमारा गैस एक तरफ से दूसरे तरफ जाए। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसके कारण बांग्लादेश और हमारे बीच में मतभेद भी चल रहा है। आगे की स्लाइड में पढ़ना चाहेंगे, अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका क्या है? देखिए ये श्रीलंका का मैप है, ध्यान से समझ लीजिए। ये जो है एक टापू है, आपको पता है श्रीलंका समुद्र के बीच का एक देश है, रावण का जगह है। तो ये श्रीलंका है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले क्योंकि इस बार सिलेबस में जोड़ा गया है श्रीलंका को। तो आइए अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 47 में भारत आजाद हुआ और एक साल बाद 48 में श्रीलंका भी आजाद हो गया। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। ठीक है, श्रीलंका की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा था, अभी अब कुछ बदल गया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है तो मैं आपको उसी के हिसाब से बताता हूँ। वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी श्रीलंका में जो विवाद है वो सिंहली जाति और तमिल समुदायों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है इसको लेकर विवाद है। ये जाति की लड़ाई में फंसे हुए हैं, जातीय संघर्ष में फंसे हुए हैं। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी हैं, सिंहली जो जाति है वो श्रीलंका के प्रॉपर मतलब मूल निवासी सिंहली हैं, और तमिल वो थे जो हमारे भारत से जाकर वहां पे बस गए हैं। तो ये सिंहली और तमिल के बीच में लड़ाइयां चल रही है। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन था। अगर श्रीलंका जो देश है उसके अगर ओल्ड नेम के ओर जाए या फिर पुराने नाम की ओर जाए तो उसका क्या नाम था? सिलोन नाम है, सिलोन। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिल द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। जो तमिल लोग हैं जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए अलग देश बनाओ, हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार का मौका दो। जो कि सिंहली जो वहां के मूल निवासी हैं इसका विरोध करते हैं, नहीं भाई तुम लोग बाहर से आए हो, यहाँ पे हम अपने देश को तोड़ के तुम्हारे लिए दूसरा देश क्यों बनाए। बात हालांकि सही है, अगर आज हमारे देश में कोई आ जाता है और कहता है कि भारत को तोड़ो तो हम क्या तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देंगे। देखिए वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता है। देखिए सिंहली समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार इनके मांगों का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम ना दूसरा देश देंगे और ना संसाधनों पर अधिकार देंगे। इसीलिए इनके बीच का आपस में संघर्ष चलता जा रहा है। देखिए एक लिट्टे वहां पे तमिल समुदाय का संगठन है, लिट्टे, जो बहुत ही प्रभावशाली रहा है जब तक कि प्रभाकरण जिंदा था, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है मई 2009 में है श्रीलंकाई सेना द्वारा, मई 2009 में जो श्रीलंका का सेना है उसके द्वारा लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के प्रमुख जो थे उनका नाम था प्रभाकरण, अभी मैंने आपको बताया, उनको मार गिराया गया। किसके द्वारा? श्रीलंकाई सेना के द्वारा। तत्पश्चात श्रीलंका में वर्षों से जो गृह युद्ध चलता आ रहा था ना, जो युद्ध चलता आ रहा था उसकी समाप्ति हो गई, वो खत्म हो गया। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, दक्षिण एशिया में मैंने 9 देशों का नाम आपको बताया है, उसमें भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसका बॉर्डर इन सभी देशों के साथ लगता है। और इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सहयोग भी है। अब हमारा बॉर्डर सब देशों के साथ लगता है तो कुछ बॉर्डरों के साथ मतभेद भी है और कुछ बॉर्डरों के साथ हमारा सहयोग भी है। तो देखिए श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की बात अगर कर ली जाए तो गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेजी से विकास किया। यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था,
इसके बाद भी जो अगर श्रीलंका के आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल सिस्टम की बात किया तो उन्होंने बहुत तेजी से विकास किया। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल देश रहा। यहाँ पे भारत की तरह नहीं है कि हम दो हमारे 56 हो जाएं। खासकर मैंने देखा है कि कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा तो भैया मतलब बढ़ोतरी रुकती नहीं है, दिन प्रतिदिन उनका बढ़ोतरी होता जाता है। उनका ये मानना है जब तक सकेंगे तब तक करेंगे बच्चा पैदा। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा करो, किसी को पंचर की दुकान पे बैठाओ, किसी को अंडे बेचने पे बिठाओ, किसी को कहीं बिठाओ, ऐसे ही मतलब उनका भविष्य खराब कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो काम से बच्चे पैदा करना है, मियां बीवी एंजॉय कर रहे हो, बाकी बच्चे बाहर में जाए। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में ऐसी बात नहीं है, इन्होंने अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर काफी कंट्रोल किया। ये सबसे सफल देश रहे हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया है। आगे की स्लाइड में पढ़ना चाहेंगे, आगे का स्लाइड हमारा मालद्वीप है। देखिए मालद्वीप ये छोटा सा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना भारत के नीचे, बस यही हिस्सा मालद्वीप का है, बस ये हिस्सा जो है हमारा वो मालद्वीप है। तो अब आइए हम मालद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। मालद्वीप भी बहुत अच्छा देश है, चलिए शुरू करते हैं मालद्वीप के बारे में। 1965 तक की अगर बात कर ली जाए तो ये भैया अंग्रेजों के अंदर गुलामी कर रहा था, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे ना, लेकिन 1947 में हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 में। लेकिन 1965 तक मालद्वीप ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ब्रिटिश लोग इस पे अपना कब्जा कर रखे थे। 1965 में मालद्वीप को ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई, ब्रिटिश को इन्हें आजाद करना पड़ा। लेकिन यहाँ के जो राजा मोहम्मद फरीद दीदी थे उनके अधीन होकर यह एक सल्तनत बन गया। सल्तनत मतलब एक राज्य बन गया, कौन? मालद्वीप। अब 1968 में इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। 1965 में इसे आजादी मिला, 1968 तक राजा मोहम्मद फरीद दीदी ने शासन किया एक सल्तनत बना के, लेकिन 3 साल बाद इसे राजशाही से भी मुक्ति मिल गया और यहाँ पे गणतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। मालद्वीप भी लोकतंत्र हो गया जो आज तक कायम है। अभी तक अगर वर्तमान समय तक की बात कर ली जाए तो मालद्वीप के अंदर लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। 1965 में इसे अंग्रेजों से आजादी मिली, 1965 के बाद जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इसे अपने सल्तनत में जोड़ लिया, लेकिन 1968 में इन्हें अपने राज्य को खत्म करना पड़ा और यहाँ पे गणतंत्र लाना पड़ा, डेमोक्रेसी लानी पड़ी और इस तरह से ये आजाद हो गया। और आज तक वर्तमान समय की अगर बात कर ली जाए तो ये अभी तक यहाँ पे गणतंत्र है मतलब डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा शासन चलाई जाती है। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा का बवंडर यहाँ पे समाप्त हो गया है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर किसी भी पॉइंट में अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पॉइंट को फिर से समझाया जाए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।